अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा। तो आज की वीडियो में हम ये एक फिलिप्स का मॉडल है 107E5 मॉनिटर, ठीक है जी। ये एक फिलिप्स का मॉनिटर है, तो ये पीसी मॉनिटर होता है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का आया हुआ है और ये किस तरह से फॉल्ट दिखा रहा है। तो आज हम इसको देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इसे इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो आपने लाइक तो वैसे भी कर लिया होगा, तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। बहरहाल मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और पावर पे लगाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे मैंने इसको पावर पे लगाया तो कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला, ठीक है जी। यहाँ से इसका बटन है, तो ये मैं बटन भी इसका प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इस मॉनिटर को खोलूँगा, इस मॉनिटर को खोलने के बाद ही हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं खोलता हूँ, इसकी जो बॉडी है ये खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा है, ठीक है जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको खोला है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर मिट्टी कितनी बहुत ज़्यादा है, इसके जाल और मिट्टी कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल मैं अभी इसको निकालता हूँ और इसको साफ़ करता हूँ। पहले इसको साफ़ करने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो ये सर्किट है इसको हम बाहर निकालेंगे, इस सर्किट को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद किस चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है जी। क्योंकि पहले हमें इसका जो सर्किट वगैरह है वो चेक करना होगा। तो इसको चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने क्या करना है कि पहले इसका फ्यूज़ चेक करना है। हो सकता है कि इसका फ्यूज़ ही ख़राब हो। अगर ऐसा फ्यूज़ ख़राब हुआ है तो यहाँ से हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, हमें इसको सादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। अगर फ्यूज़ के साथ ही हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे इस किट को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इस फ्यूज़ को, तो इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो फ्यूज़ है इसको मैं निकालता हूँ और इसके साथ का दूसरा जो फ्यूज़ है वो लगा के चेक कर लेते हैं। या तो फिर हम इसके साथ कोई पतली सी वायर लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि हमारे पतली वायर लगाने से कि हमारा ये दोबारा ये इसकी जो वायर है ये उड़ती है कि नहीं उड़ती, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इस फ्यूज़ को जो है वो इसके साथ का मैं एक पतली सी वायर लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पतली सी वायर जो है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो ये मैंने एक पतली सी वायर लगाई है, अगर ये उड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें, ये मैंने एक पतली सी वायर लगा ली है, अगर ये उड़ेगी तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको पावर पे लगाता हूँ और हम इसको चेक करते हैं कि ये अब ब्लास्ट करती है कि ये चल जाती है। अगर हमारा चल जाता है तो फिर हमारा 100% इस फ्यूज़ का ही प्रॉब्लम था। तो अगर देखें तो ये शार्टेज बता रहा है हमें, तो ये देखें ये फुल शार्ट बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ्यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें ये फुल शार्ट बता रहा है। तो फुल शार्ट बताने से ये हमें पता चल गया है कि इसके अंदर कोई और फॉल्ट है। इसका इसके जो हमारा फ्यूज़ लगा हुआ था इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हम इस किट को बाहर निकालेंगे और किट को बाहर निकालने के बाद ही हमारा जो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं हम। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस किट को बाहर निकालता हूँ और किट को बाहर निकालने के बाद ही हम इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं जी। तो दोस्तों मैंने इसको अभी खोल लिया है, तो अब हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि इसको चेक किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी सप्लाई जाती है, उसके बाद इसका ये फ्यूज़ आ जाता है, फ्यूज़ के बाद ये पेपर कंडेंसर, उसके बाद ये चोपर आ जाती है, इसके बाद हमारा ये जो हमारा अपना जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको हम चेक करेंगे,
उसके बाद हमारे ये पावर सप्लाई का जो ये अपना बड़ा कैपेसिटर होता है इसको चेक करेंगे। इसके बाद हमारी ये आईसी होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो वाइट वाला ये सॉरी सप्लाई वाला जो ट्रांसफर है इसको चेक करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रिजर्वेशन हमारी ब्लैक हुई पड़ी है, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से कोई ब्लास्ट हुआ है, शायद रिजर्वेशन वगैरह जली है यहाँ से, तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन भी इसकी ब्लास्ट हुई पड़ी है। इसके साथ साथ ये जो इसके जितनी भी रजिस्टर वगैरह है सारा कुछ हम चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो फ्यूज़ है हमने वो चेक कर लिया कि हमारा इसका जो फ्यूज़ था वो जला हुआ था। तो पहले मैं इस फ्यूज़ को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है जी। ये जो ख़राब फ्यूज़ था हमारा इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने इसको भी बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करते जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ पर हमारा इसका जो फॉल्ट है कहाँ पर रुकता है, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ब्रिज है इसके साथ के चलेंगे अब, ठीक है जी। हम सप्लाई से आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आ जाती है। तो पहले अगर कैपेसिटर अगर चार्ज हो तो पहले इसको डिस्चार्ज कर दें, ठीक है जी। यहाँ पर देखें मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो अब हम अपना मल्टीमीटर उठा लेते हैं और उसके बाद हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते जाएंगे। देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें शॉर्टेज बताती है, ठीक है जी। तो मैंने इसको कंटिन्यूटी भी रख लिया है मीटर को, और अब देखते हैं कि ये क्या बताते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसको कंटिन्यूटी भी रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो सप्लाई है वहाँ से चलते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा ब्रिज रेक्टिफाई आ जाता है। ये हमारा पेपर कंडेंसर था, जो बड़े वाला मैंने आपको दिखाया था पेपर कंडेंसर ये था। उसके बाद ये हमारी चॉपर आ जाती है। चॉपर की ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ठीक है जी। ये चॉपर देखें, यहाँ पर ये शार्टेज नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये शार्टेज नहीं बता रहा। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ये हमारा जो ब्रिज थी, ये ब्रिज, ये यहाँ पर ये ब्रिज लगी हुई है। तो अब हम इस ब्रिज को चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो यहाँ पर देखें तो ब्रिज हमें शार्ट बता रही है, ठीक है। तो ब्रिज हमें यहाँ पर शार्टेज बता रही है, लेकिन ये ब्रिज का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिज पर शार्ट होती तो यहाँ पर भी ये शार्टेज बताती है, लेकिन यहाँ पर कोई शार्टेज नहीं बता रही, यहाँ पर हमें शार्टेज बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे कोई चीज़ शार्ट है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आंसर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखें आंसर भी हमें शार्ट बता रहा है। इसके बाद हमारा ये डायोड वगैरह आ जाते हैं, और हमारा जो ट्रांसफर आउटपुट का सॉरी सप्लाई का जो ट्रांसफर है इसको मैं निकालता हूँ। ये फुल शार्ट बता रहा है सप्लाई का ट्रांसफर, मैं भी आपको चेक करवा लेता हूँ अभी। तो ये देखें सप्लाई का जो ट्रांसफर है ये फुल शार्ट बता रहा है हमें। तो ये सप्लाई का ट्रांसफर जो ये फुल शार्ट बता रहा है, तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसके बाद भी हमें शार्ट बताता है कि नहीं बताता। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ये ट्रांसफर है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इसका जो ट्रांसफर था सप्लाई वाला मैंने वो निकाल दिया है। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करके इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी हमें ये शॉर्टेज बता रही है कि नहीं बता रही लाइन, क्योंकि यहाँ पर ये हमने आउटपुट का जो ये मॉस्फेट लगा हुआ था यहाँ पर वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसकी दोबारा शॉर्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पेपर का ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पर हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो अभी हमारा जो बड़ा ये कैपेसिटर है अभी हमें ये शार्टेज नहीं बता रहा, ठीक है जी। और ये जो हमारी ब्रिज थी शार्टेज बता रही थी उसको भी हम चेक कर लेते हैं अभी। तो ये देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हमारी ब्रिज शार्ट होती है तो हमारे ये जो सेंट्रल जो दो लाइन्स होती हैं ये भी शार्ट होनी चाहिए थी किसी एक के साथ, लेकिन ये शार्टेज नहीं बता रही, ये दो साइड में शार्टेज बता रही थी। इसका मतलब ये है कि हमारा या तो हमारा ये पेपर का ये जो हमारा बड़ा कैपेसिटर है ये शार्ट है, या तो हमारा जो ये मॉस्फेट लगा हुआ है जो आउट ये सप्लाई वाला, या तो ये शार्ट है। तो जैसे ही हमने इसका जो मॉस्फेट निकाला है, तो अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर ये बड़े कैपेसिटर के ऊपर भी शार्ट चली गई है, और हमारे जो ब्रिज के ऊपर शार्ट जा रही थी वो भी चली गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी जो शार्ट बता रहा था वो भी चली गई है शार्टेज, ठीक है जी। यहाँ पर भी शार्टेज अभी नहीं दिखा रही। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये मॉस्फेट निकाला है ये ख़राब है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कौन सा है, ये 7N60B है, ठीक है जी, 7N60B। तो ये हमारा शार्टेज है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, मैं भी आपको चेक भी करा लेता हूँ कि ये वाकई में शार्ट भी है कि नहीं, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर लगा लिए, ये एक प्रोब मैंने सेंटर पे लगाई है, और यहाँ पर चेक करते हैं ये देख लें।
तो हमारा जो मॉस्फेट है ये बिल्कुल शार्ट है, ये 100% शार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये दूसरा मॉस्फेट लेके आता हूँ और ये मॉस्फेट लगाएंगे। इस मॉस्फेट को लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो सप्लाई होती है, इसकी जो अपनी यहाँ पर जो इसकी सप्लाई आ रही होती है डेड बोर्ड, वो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें इसकी जो सप्लाई है वो इसी तरह से मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इसके लिए पहले हम इसको डीसी के वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, मैंने इसको डीसी वो रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो बहरहाल वैसे भी मैं आपको एक चीज़ आपको एक और दिखा दूँ, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे बताना थी आपको। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी कोई चीज़ हमें ब्लास्ट नज़र आ रही है, मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर भी हमें कोई चीज़ ऐसे लग रही है कि यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के साथ ही नीचे यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो अगर पहले हम इस मॉस्फेट को अच्छी तरह से देखें तो नीचे से हमें कोई इसका ब्लास्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कोई ब्लास्ट वगैरह हुई है यहाँ पर कोई चीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस हम इसको निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस को इसको हम चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमें सही बता रही है कि नहीं। इसके बाद हमारे ये कैपेसिटर चेक करेंगे, ये कैपेसिटर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। ये जो अपने दूसरी रेजिस्टेंस है ये, और ये डायोड वगैरह जितने भी इसके पार्ट्स वगैरह हैं, पहले आपने इनों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इनों में से कोई चीज़ शार्ट तो नहीं। अगर कोई चीज़ शार्ट ना हो तब जाके आपने इसको दोबारा अपना जो मॉस्फेट है वो लगाना है। तो बहरहाल मैं इसको जल्दी से ट्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो मॉस्फेट है ये भी लेके आता हूँ, उसके बाद हम इसको लगाते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं ये मॉस्फेट भी लेके आता हूँ और इसके साथ की जो रेजिस्टेंस वगैरह है ये सारा कुछ चेक कर लेता हूँ मैं अभी जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो एक मैंने ये आईसी निकाली है, ठीक है जी, ये A157, ठीक है जी, 1057 की जो ये हमारी आईसी है, 1507 की, ये A1507P, ये हमारी आईसी है। तो इसको मैंने चेंज किया क्योंकि इसकी ये एक साइड देखें यहाँ से ये ब्लास्ट होके जल गई थी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ से ये जल गई थी, ये देखें ठीक हो गया जी, इसकी एंग टांग जो थी वो जल गई थी। तो इसके अलावा एक हमारे पास ये मॉस्फेट था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 7N60 का जो ये मॉस्फेट है ये भी जल गया है, शार्ट बता रहा था जो ये वाला मॉस्फेट है। और इसके साथ की एक रेजिस्टेंस लगती है 8 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ एक रेजिस्टेंस लगती है 3.3 की, सॉरी 330 ओम की एक रेजिस्टेंस लगती है जो कि ब्लास्ट हो चुकी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो वो सारे ब्लास्ट हो चुकी थी, वो रेजिस्टेंस 330 की, एक ये हमारी आईसी और एक जो हमारा ये मॉस्फेट, ये तीनों जो चीज़ें हम दूसरी लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ से एक आईसी निकाल दी है, यहाँ से हमारा जो मॉस्फेट है वो निकाल दिया है, यहाँ से हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो मैंने निकाल दिया। ठीक है जी, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ठीक हो गया जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारी आईसी लगी हुई थी और यहाँ पर हमारा मॉस्फेट लगा हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें मैं अभी चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास आईसी कौन सी पड़ी हुई है। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास एक आईसी पड़ी हुई है A1507P की, ठीक है जी, ये वही आईसी है जो ये हमने ये निकाली है, ये देख रहे हैं, ये वही आईसी है, ठीक हो गया जी, सही हो गया, ये वही आईसी है। इसके अलावा अगर मैं आपको मॉस्फेट की बात करूं तो मेरे पास जो मॉस्फेट पड़ा हुआ है वो 7 का है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखें N7NC80, ठीक है 80, लेकिन ये देखें 7N60 है, लेकिन हमारे पास 7N60 नहीं था, तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 7N80 का। तो असल में ये मैंने जो निकाले हैं ये और एक आईसी, ये मैंने फिलिप्स का टीवी है उसमें से ये निकाले हैं, फिलिप्स के टीवी के अंदर से, ठीक है जी, ये फिलिप्स के निकाले हैं और ये हमारा मॉनिटर के हैं, ठीक है जी, जो हमारा ये मॉनिटर पड़ा हुआ है। तो ये मॉनिटर भी हमारा फिलिप्स का था और जो मेरे पास किट पड़ी थी वो भी फिलिप्स की थी, उसमें फिलिप्स जो किट थी मैंने उसमें से निकाला है। अगर आपके पास फिलिप्स की कोई किट वगैरह नहीं है या कोई भी आपके मॉडल का जैसा मॉनिटर नहीं है, आपने क्या करना है कि जस्ट उसको निकालना है और बाजार में जाके उसको पूछना है कि अगर आपको कहीं मिल जाता है तो ठीक है, वैसे वरना किसी कारीगर से पूछ लें इसके मिलते जुलते अगर कोई है मॉस्फेट वो तो वो लगा लें। जैसा कि मैंने ये निकाला है ये 7N80 का है, लेकिन ये लग जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ
और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको लगा लेता हूँ अभी जल्दी से। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी ये आईसी और ये 330 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये, और इसका जो मॉस्फेट है ये मैंने चेंज कर दी। ये देख लें, ये मैंने इसकी ये आईसी निकाली है, ये सॉरी मॉस्फेट निकाला ये। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, 7N60 वाला मॉस्फेट मैंने निकाला है और 7N80 वाला मैंने लगाया है यहाँ पर। ये जो लगाया है ये 7N80 का है, और ये जो मैंने निकाला है 7N60 का है। और इसके अलावा इसकी जो आईसी थी जो ये ख़राब थी, तो ये इसकी आईसी मैंने चेंज कर दी है। इसके साथ साथ मैंने इसका जो रेजिस्टर है वो भी चेंज किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 330 ओम की जो रेजिस्टर है ये भी मैंने चेंज कर दी है। सही है जी, तो बहरहाल ये मैंने चेंज कर दिए। तो अब हम इसको लास्ट चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि अब हमारा ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता मोनिटर। तो बहरहाल मैं इसको पावर भी लगाता हूँ। तो मैं भी इसको पावर में लगाता हूँ। ठीक हो गया, मैंने इसको पावर में लगा लिया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पतला सा फ्यूज़ भी लगाया यहाँ पर। ठीक हो गया, तो बहरहाल मैंने इसको भी पावर में लगा लिया है। तो अब हम इसको चालू करते हैं। तो ये देखिए, ये सीरीज में चल रहा है, इस वजह से इस तरह से कर रहा है। तो मैं भी इसको सीरीज से हटा देता हूँ। तो मैंने अभी इसको सीरीज से हटा दिया है। तो अब हम सामने चल के देख लेते हैं। तो ये देखें, ये फ्रंट से ये देख रहे हैं, ये भी हमारा जो है ये मोटर जो है वो बिल्कुल चालू हो चुका है सही तरह से। तो ये देखें, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।